Hello, my dear students and all NDA aspirants particularly, because आज मैं NDA का PYQ ले रहा हूँ. हमारी वीडियो का मकसद ही था आज NDA के लिए 2020 का PYQ सॉल्व करना, और उनमें सिर्फ फिजिक्स पार्ट आई एम हैंडलिंग. क्वेश्चन नंबर 75 जो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन इसमें नजर आ रहा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रैवल ऑफ साउंड वेव्स. साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, सो वैक्यूम में वो ट्रैवल कर ही नहीं सकता है, उसे मटेरियल मीडियम की जरूरत है. सो दिस वे ऑप्शन नंबर डी इज, इस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 86, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स फोकल लेंथ, आर इज इक्वल टू 2f. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. अ लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज. It is because of refraction of light. To recall, refraction mein apparent depth and real depth, refraction of light aap bolenge. Basically, it is because of reflection of light, scattering of light, refraction of light and polarization. To aap one by one eliminate bhi kar sakte the. Reflection of light, obviously, ye reflection ke wajah se nahi hota hai. Scattering ही एकदम अलग तरह की चीज़ है, एंड रिफ्रैक्शन इज द सिचुएशन जो हम लोग रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ में पढ़ते हैं, एंड पोलराइजेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू वेव ऑप्टिक्स जो कि यहाँ के लिए रेलिवेंट नहीं है. लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया रेटिना प्यूपिल आयरिस. इनमें से कॉर्निया इज द राइट आंसर, बिकॉज ये वाली डिस्कशन सारी हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन आई के डिस्कशन में. फॉर कॉर्निया, इट इज अ थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स द आई बॉल. इट एक्ट्स लाइक अ लेंस विच रिफ्रैक्ट्स द लाइट एंटरिंग द आई. नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट. इनमें से दो साइंटिस्ट तो हमारे इंडियंस ही थे, इनका आंसर होगा आइजक न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 90 में, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम्स 5 किलोवाट पर वर्किंग 10 आवर्स पर डे फॉर 30 डेज विल बी. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था कि टोटल नंबर ऑफ किलोवाट आवर आपने कैलकुलेट करना होगा. तो फिर हम बड़े आराम से 4 से मल्टीप्लाई करके हम, बिकॉज रेट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, तो बट किलो वाट आर निकालने का पर्पस ये है कि आप पहले तो टोटल पावर कंजम्पशन आप कैलकुलेट करोगे ना. पावर कंजम्पशन मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी. कॉमन लैंग्वेज में हम लोग पावर कंजम्पशन बोलते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में इट इज़ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिनका कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी के लैंग्वेज में किलो वाट आर ये फिजिक्स में सेट की गई है. 1 unit ऑफ किलो वाट आर इज 3.6 × 10⁶ जूल इज द एनर्जी. तो टोटल नंबर ऑफ किलो वाट आर यानी कि ये एनर्जी है. एनर्जी मीन्स पावर इंटू टाइम. पावर आप किलो वाट में आप कंसीडर करने होते हैं इस डिस्कशन के लिए, एंड टाइम सेकंड में नहीं आवर में लेते हैं. तो आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे एंड टोटल आप करोगे तो 5 kW × 10 hours × 30 days, एंड हेंस वी ऑब्टेन 1500 kWh. टोटल कॉस्ट विल बी 1500, हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ था. सो इसे मल्टीप्लाइड बाई 4 करने से ₹6,000 की बिजली बिल आती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट करेक्ट. कौन सी बात करेक्ट नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स. ये भी फैक्चुअल नॉलेज की बात है.
मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस कर्व्स, जो हम लोग फिजिक्स में लैंग्वेज पढ़ते हैं, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डिसकॉन्टिन्यूस कर्व्स. एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवेन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ओपन कर्व्स, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर. डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, कि नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन सी है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस कर्व्स. आई हैव शोन ऑल्सो इन रफ डायग्राम हाउ दे आर कंटिन्यूस कर्व्स, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जब नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में जाकर टर्मिनेट नहीं हो जाती, वो अंदर ही अंदर मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर वो कॉन्टिन्यूटी अपनी मेंटेन रखता है. 95 में बात कर रहा है, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, जे जे थॉमसन, जॉन डाल्टन. किस साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करा? राइट आंसर इज जेम्स चैडविक. रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करा था, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करा था, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल का पहला पिक्चर साइंस कम्युनिटी को दिया. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ. एटॉमिक मास मतलब पूरे एटम का सबसे हैवी वाले सारे पार्टिकल्स का मास. जबकि अगर आप बात करो इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स में एब्सोल्यूट मास ज़रूर होता है, रिलेटिव मास इज ज़ीरो. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली होने चाहिए, और मास तो सिर्फ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में नहीं होते. सो हिंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. हमारे डिस्कशन का क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ये बेसिकली रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाया जाता है. यहाँ का सही ऑप्शन है कोबाल्ट. यूरेनियम इज ऑफ कोर्स रेडियो एक्टिव, बट इट इज़ नॉट यूज फॉर कैंसर. एंड सोडियम आयोडीन आर हेलोजन. क्वेश्चन नंबर 11 फॉर आर डिस्कशन, इन एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल. ये तो आप बड़े बिना ऑप्शन के टंगस्टन बता सकते थे, बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. सर्किट डायग्राम में देयर आर टू रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और मेन करंट है 100 मिली एम्पियर की, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, लगा रखा है हमने. और तब ऐसे सिचुएशन में बोलते हैं कि भाई आर का वैल्यू क्या होगा. पैरेलल में इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी आर बाई टू. इस सर्किट में करंट और वोल्टेज यानी पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है. सो यहाँ से भी R इज इक्वल टू वी बाई आई, अगर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो V दैट मीन्स 12 वोल्ट, I इज 100 मिली एम्पियर. तो इन दोनों को डिवाइड करके वी ऑब्टेन 120 ओम्स. तो इस 120 ओम्स को R बाई टू से तो इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R बाई टू ऑल्सो, और ये भी सर्किट का 120 ओम्स. इन दोनों को इक्वेट करने से आपको R का वैल्यू क्या मिलता है? ये 240 ओम बी ऑप्शन में आता है. 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी. तो जूल, जूल तो एनर्जी का ऐसा ही यूनिट है. वॉट आर, किलो वॉट आर होता ही है. सो हेंस दिस इज ऑल्सो एनर्जी की यूनिट. न्यूटन मीटर इज ऑल्सो जूल. So hence third option is also out of way. And fourth option हमारे को यहाँ पे मिली हुई है, kg meter per square. Actually ये force की unit है. Option number D is correct. हमारे discussion का question number 14, two planets orbit the sun in circular orbits with their radius of orbit as R1 is equal to R and R2 is equal to 4R. Ratio of their periods T1 upon T2 around the sun will be. Kepler's third law recall करने की ज़रूरत है, जो कहता है T square is proportional to R, where T is time period, R is semi-major radius,
ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट्स के रेडियस की तरह से ट्रीट करते हैं। आर वन और आर टू का रेशियो की जगह पे हमने ये देखिए आपको आर एन फोर आर सब्स्टिट्यूट कर दिया है और 1/64। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर T1/T2। इस क्वेश्चन में T1 एंड T2 दोनों टाइम पीरियड्स का रेशियो मांगा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, अ मेटालिक वायर हैविंग रेसिस्टेंस ऑफ 20 ohms, 20 ohms के वायर को अगर आपने टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो 10 ohms इधर 10 ohms इधर, उन 10 ohms वो दोनों 10 और 10 ohms वाले को ये क्वेश्चन बोल रहा है, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 10 और 10 को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप आइडेंटिकल रेसिस्टेंस का हाफ हो जाता है, तो हेंस 5 ohms विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, वही पूछा गया था। इस तरीके से हमने ये इन दोनों को पैरेलल में लगाया था। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ फ्रॉम EM waves. Light of uniform intensity impinges perpendicularly on a totally reflecting surface. If the area of the surface is halved, the radiation force on it will become. Radiation pressure RP is equal to I0 by C होता है, ये तब जबकि wave is totally absorbed, जब totally reflected हो तब ट्वाइस ऑफ I0 अपॉन सी इज इक्वल टू रेडिएशन प्रेशर। इंटेंसिटी फॉर एनी टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट है, एंड फॉर टोटली रिफ्लेक्टेड सरफेस, इस बात से हम क्लियर देख पा रहे हैं अगर ए को हाफ किया जाएगा तो रेडिएशन फोर्स विल बी डबल। फिर क्वेश्चन नंबर 17, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई on which the image is formed, or that part of human eye is retina, जहाँ पे image form होती है। वो अलग बात है कि पहले inverted image बनती है, फिर उनको erect हमारा mind करता है, nervous system। Question number 18, consider the following image. इस image से ये पता लग रहा है कि magnetic field is rightward along the direction of plane of paper, और यानी कि ये eastward है। अगर magnetic effect के हिसाब से सोचा जाए तो we have always 6 direction to consider, is east, west, south, north and upward and downward. So here we have proton is moving along the north direction and east direction is magnetic field. तो पूछा गया है the direction of force acting on the proton will be, simply आप Fleming's left hand rule आप apply करोगे which says B is like this, current northward, हमारा thumb देखिए आप नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि into the plane है, ये force है। तो हेंस हमारा ऑप्शन, अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से सोचा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इनटू द पेज विल बी द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कम टू क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट। साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड स्लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज साउंड की स्पीड approximately 332 meter per second है in air, जबकि light की speed in air is 3×10⁸ meter per second, common language में 300,000 kilometers per second. Sound waves, second option to consider, जरा सोचते हैं, sound waves are transverse waves, no it is wrong, because थर्ड ऑप्शन साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज करेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब व्हेन पार्टिकल्स ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देन इट इज
longitudinal, whereas when particle oscillates in perpendicular direction with respect to the direction of propagation, this is transverse. And D, sound travels faster in moist air than in dry air. Yes, of course, this is correct. So only B is incorrect. Sound waves are transverse waves. This is incorrect. Question number 20. When the short circuit condition occurs, the current in the circuit becomes zero. Yeah. I have given one simple example of short circuit. ये resistance short circuit तब कहलाएगा जब current को easy path देने के चक्कर में यूँ आपने current को आगे भेज दिया. This resistance is without any current और हमने बोल दिया कि ये resistance short circuit हो चुका है. Question 21. Which one of the following types of radiations has the smallest wavelength? Microwaves, infrared, visible light and x-rays. इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये टेबल यहाँ पे सामने चिपकाया है. यू मे गो थ्रू. इस टेबल से हमें ये पता लग रहा है, बाकी प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन वाली बातों पे अभी आप ध्यान ना दें, बट वेवलेंथ रेंज किस ऑर्डर में वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड, फिर लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज. यानी कि ये डाउन द लाइन अभी यहाँ पे वेवलेंथ कम हो रहा है, वेयर एज फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग डाउन द लाइन. तो हमारे पास क्वेश्चन मांगा गया था स्मॉलेस्ट वेवलेंथ. तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हमारे पास एक्स रेज की होगी. हमारे ऑप्शन से मैच करने वाला सिर्फ एक्स रेज है जो यहाँ पे इतने नीचे है. टी, एक्स रेज. क्वेश्चन नंबर 22. द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज गैल्वेनोमीटर. ये भी फैक्चुअल नॉलेज की बात थी. क्वेश्चन नंबर 23. द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. द फिनोमिनन इन ऑप्टिक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपीयरेंस ऑफ द सन इज सी ऑप्शन ही करेक्ट है. इनके सपोर्ट में आप क्या कहेंगे? लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स थ्रू अर्थ एटमोसफेयर, इट अंडरगोज स्कैटरिंग बिफोर इट. यानी हमारे पास पहुंचने के पहले बीच रास्ते में इनको स्कैटर होना पड़ता है. दस देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी फॉर शॉर्टर वेवलेंथ लाइट टू गेट मोर स्कैटर्ड देन फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ लाइट. हेंस द सन एंड सनराइज एंड सनसेट appears reddish orange during sunset and sunrise. Question number 24. A lens has a power of 2 diopter. Which one of the following statements about the lens is true? Ki focal length and power of the lens ke beech mein reciprocal relationship hoti hai, aur power is given 2 diopter, so focal length will be 0.5 meter. Why? Because 1/2 aa raha hai. तो 0.5 मीटर और ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन विल बी देयर एंड पॉजिटिव साइन फोकल लेंथ का मीनिंग ये दर्शाता है कि हमारा लेंस कन्वेक्स है. पॉजिटिव फोकल लेंथ यानी कि राइट साइड फोकस बन रहा है. ऑप्शन नंबर सी को ऑब्वियसली करेक्ट बताएंगे. द लेंस इज कन्वेक्स एंड हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.5 मीटर. And question number 25, the refractive index of fused quartz is 1.46 and that of sapphire is 1.77. If VQ is the speed of light in quartz and VS is the speed of light in sapphire, then which one of the following statement is correct? Is question ko proceed karne ke pehle, hamare paas that mu is equal to C upon V, और वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट टाइप फिजिकल क्वांटिटी, तो म्यू एंड वी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड उस मीडियम में लाइट की स्पीड, ये दोनों इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं. तो ऑब्वियसली यहाँ पे
सफ़ायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड इनकी स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में कम होगी, तो हेंस क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज में स्पीड ऑफ लाइट विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमारे डिस्कशन का ये क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ एंड पोल पी ऑफ द मिरर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इमेज इज नॉट करेक्ट। पहले आपको मैं ये याद दिला दूं कि ये कॉनकेव मतलब कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर के केस में अगर हम जाएं डीप में तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस तब इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड। और ये वन बाय वन ये सारे ऑप्शन वही मेंशन कर रहा है कौन से नॉट करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढनी थी, तो द इमेज विल बी वर्चुअल ये करेक्ट, द इमेज विल बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड ये भी करेक्ट, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी नॉट करेक्ट, फिर फोर्थ डी ऑप्शन द इमेज विल बी इरेक्ट ये भी मैंने शुरुआत में बोल दिया, तो हिंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो गुड लक टू यू ऑल ऑफ यू माय डियर फिजिक्स एस्पिरेंट्स एंड फिजिक्स लविंग स्टूडेंट्स। बाय, सी यू, टेक केयर।